क्या हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है आईएसआईएस? हिंदुस्तान को धमाकों से दहलाना चाहता है आईएसआईएस? क्या भारत के खिलाफ आईएसआईएस रच रहा है कोई बड़ी साजिश? खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस अब भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। चौंकिए मत, ये एकदम सच है। खबरें तो पहले भी ऐसी आई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली से मोहम्मद फैजल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। ये वही युवक है जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बम ब्लास्ट करने की फिराक में था। बता दें कि मोहम्मद फैजल हरकत उल हर्ब ए इस्लाम नाम के आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। इस संगठन के आईएसआईएस के साथ करीबी संबंध बताए जाते हैं। अब मंगलवार को एनआईए को जानकारी मिली कि मोहम्मद फैजल दिल्ली में बड़े बम धमाके कर सकता है, इसलिए उसे तुरंत गढ़ी मेड़ू से गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इस केस में अभी तक 14 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वो सब भी हरकत उल हर्ब इस्लाम से जुड़े हुए थे और भारत में आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा को धार दे रहे थे। अब एनआईए का मोहम्मद फैजल को पकड़ना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि खबरों के अनुसार ये शख्स हरकत उल हर्ब इस्लाम का एक अभिन्न अंग था और संगठन की विस्तार भी इसकी जिम्मेदारी थी। एनआईए से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद ही वो शख्स था जो इस संगठन के लिए हथियार और गोला बारूद का इंतजाम करता था। खुद एनआईए ने इस साजिश का खुलासा किया है। एनआईए ने एक बयान जारी कर कहा, हरकत उल हर्ब इस्लाम के साथ कई सारे आतंकी जुड़े हुए थे जो आतंकवाद और दहशतगर्दी के माध्यम से भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे। जाहिर सी बात है, एनआईए का स्टेटमेंट आम नागरिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें तो खींच देता है, अब चिंता होनी भी चाहिए। आईएसआईएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, इसने विश्व के अलग अलग हिस्सों में कितनी तबाही मचाई है। ऐसे में अगर वो भारत में विस्तार करने में कामयाब हो जाता है तो ये स्थिति बेहद भयावह होगी। याद दिला दें, 3 दिन पहले श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी भारत के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। दरअसल उस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है, जो इस बात का साफ संकेत है कि आतंकी संगठन अब एशिया में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। ऐसे में भारतीय एजेंसियों का ज्यादा सक्रिय होना तो लाजमी है। वैसे बता दें, इस आतंकी साजिश से पर्दा सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में उठा था। उस समय एनआईए ने 17 जगह पर छापे मारे थे। तब इस बात का खुलासा हुआ था कि हरकत उल हर्ब इस्लाम दिल्ली में कई सारे सीरियल ब्लास्ट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसके पास से पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कैलोरेट, 112 अलार्म क्लॉक, 51 पाइप, रिमोट कंट्रोल जैसी कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई थी। तो मतलब साफ है, भारत की बढ़ती ताकत से बस पाकिस्तान नहीं बौखलाया है, बल्कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भी परेशान हो चले हैं। ऐसे में आईएसआईएस के सभी मॉड्यूल को भारत में नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।